या मैं अपने होटल के टॉप से 18वीं 19वीं मंजिल से मैं आपको पटाया शहर का कुछ सीन दिखाना चाहता हूँ। और ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा समुद्र का सीन है, आइलैंड का सीन है। और आप देख रहे होंगे एक आइलैंड सामने दिखाई दे रहा है, टापू दिखाई दे रही है। कल हम सुबह वहाँ पर कोरल आइलैंड का एक कुछ एक्टिविटी होगी, पैरासेलिंग वगैरह, तो वो कल हम जाएंगे। तो दोस्तों बहुत बढ़िया है, रियली वंडरफुल सीन है पटाया शहर का। और अभी आप देखेंगे तो बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, बड़े बड़े होटल्स, और रियली देखने वाली जगह है। और सच में दुनिया में आए और अगर थाईलैंड नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो बहुत बढ़िया है, जब भी आपको मौका मिले कंपनी का टारगेट जीत के, दो तरीके से आ सकते हैं। एक तो अपना पैसा खर्च करके, करीब करीब यहाँ पर आने के लिए 1,00,000 रुपये चाहिए मोटा मोटा घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर होटल में एंट्री करते हैं तो 8,000 से स्टार्टिंग है। अब जिस होटल में हम लोग हैं तो होटल में करीब करीब 8,000-9,000 रुपये से स्टार्टिंग है। तो एक तो तरफ हमारे पास में है 80,000-90,000 रुपये खर्च करके हम इस थाईलैंड शहर का एंजॉय लें, और वो भी अकेला आना पड़ेगा। लेकिन अगर सेफ शॉप में अगर हम टारगेट जीत के आते हैं तो रियली एक ट्रिप होती है, और हम सब के सब लोग ग्रुप में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने का, सुनने का और एंजॉय करने का हमें मौका मिलता है दोस्तों। और ये एक हिस्टोरिकल ट्रिप होती है कि हमारे ख़ानदान में कभी कुछ नहीं आ पाया लेकिन हम जाके दिखाया, तो ये अचीवेबल चीज़ होती है, आपकी मेमोरी हमेशा याद रहती है। चीज़ें हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने जान पहचान के लोगों को ये चीज़ें दिखा सकते हैं कि देखो हम ऐसी जैसी जगह पर जाकर। तो दोस्तों बहुत बढ़िया है। और दूसरी तरफ है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सेफ शॉप का सारा साथ में काम करके अपना पैसा भी कमाएं, और साथ में सेफ शॉप में आप थाईलैंड का टारगेट जीत के अपने आप को अचीवर बना के और यहाँ लेके आएँ। दोस्तों सच बता रहा हूँ, जब से हमने कंपनी में कदम रखा है कल से 30 तारीख से और अभी तक का पूरी तरह से स्टार लाइफ कंपनी ने दिया है, 7 स्टार वाले लाइफ हैं, ठीक है। वहाँ से रख निकले तो बढ़िया होटल के अंदर हमें स्टे कराई गई, अशोक रिसोर्ट कंट्री रिसोर्ट करके। और कल फिर हम एयर इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया एयरलाइंस में नाम आता है एयर इंडिया, और उस एयर इंडिया के अंदर ड्रीम लाइनर हमारा जो कि विमान था, और उसके अंदर खाना पीना एंजॉय का सारी सुविधाएं मौजूद थी। आप मांगिए वो चीज़ आपके लिए हाजिर होगी वहाँ पर, ठीक है। आप चाहे ड्रिंक करने के लिए मांग ले सकते हैं, चाहे आप खाना पीना के लिए बोल सकते हैं, या और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमें बिल्कुल ऑन डिमांड वहाँ पर मिलती हैं, और कोई चार्जेज नहीं है, क्योंकि इंसान एक चीज़ से डरता है, चार्जेज से, सर मेरा चार्जेज क्या लगेगा। तो उस ड्रीम लाइनर की खासियत है कि आपने उसमें कदम रखने के बाद में आपको रुपया वहाँ पर देने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर करेंसी नहीं चलती है, वहाँ पर आपकी टिकट चलता है। अगर आपका टिकट है उस फ्लाइट का तो आपका जो चीज़ मांगेंगे वो मिलेगा आपको, और बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से आप भी अपना परिवार का इतिहास लिखें दोस्तों। बहुत ही सुपर डुपर कंपनी हमारे पास में है, दमदार कंपनी हमारे पास में है, दमदार अप्लाइंस हमारे पास में है, और हमारे पास टीम भी दमदार है। बस थोड़ा सा हमें दमदार दिखाने की ज़रूरत है, अगर हम दमदार दिखा देते हैं तो दोस्तों ये यहाँ पर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। बस अपना फोकस और अपना पूरा 100% देने की ज़रूरत है। जैसे सिस्टम बोलता है सिस्टम को आप ग्रैब करना शुरू करें, उसके मुताबिक आप काम करना शुरू करें, रियली ऐसी ऐसी जगह पर आपको घूमने का मौका मिलेगा। मेरा एक सपना होता था स्टार्टिंग से कि यार थाईलैंड जाना है, और आज सेफ शॉप ने और मेरे ग्रेट अप्लाइंस ने और मेरी दमदार टीम ने आज मेरा ये सपना भी पूरा कराया। और दोस्तों बड़े बड़े सपने अभी और बाकी है, वो भी सारे सपने हमारे यहाँ से पूरे होंगे, क्योंकि हमारे अप्लाइंस पहले रास्ता दिखा देते हैं तो वो रास्ता हम लोग यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोग ज़रूर आइए और इतने खूबसूरत शहर को नज़दीक से देखिए, लाइव देखिए, ठीक है। अभी तो मैं एक झलक दिखा रहा हूँ आपको एक पिक्चर शूट के माध्यम से, लेकिन रियली यहाँ आके देखने का मज़ा ही कुछ और है। थैंक यू, गो डायमंड, गो सक्सेस।